और सीधे ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर इशरत मामले में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। Listen to what is happening. See, the notice is with the honorable chairman. I said the notice which if they have given, I said the honorable chairman will examine it as per rules of the house and come back to the. That's all what I said. And now let me complete. Government said there are no objection for discussion. Yes. So what? This is what I said. Okay. But whatever was going in this house since yesterday, that was government sponsor. I want to. I had said yesterday, and I would like to repeat it again today. Mulana Meji, the Congress members, now please, listen, Mulana Meji, sir. Okay, Mr. R. S. Sharma. Mr. Ananda Sharma, now are you opposing the discussion? Are you saying you want a discussion? What do you want? You don't come in between me. No. I am adjourning the house for 10 minutes. House is adjourned for 10 minutes. तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है 10 मिनट के लिए। जबरदस्त हंगामा कांग्रेस की तरफ से हो रहा था। हम आपको बता दें कि इशरत जहां मामले में और ये कार्रवाई आप देख पा रहे हैं सीधे लोकसभा से, जहां पर रिसोर्सेज जनरेट करने के प्रयास में लगे इशरत मामले पर यहां भी हंगामा हुआ। श्री पी के बिचू किरीट सोलन की जी किरीट सोलन की मामले में जुड़ चुके हैं संतोष। इस पूरे मामले में हम देखा राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, 10 मिनट की कार्यवाही वहां स्थगित की गई, लोकसभा में भी हंगामा हो रहा। किस तरीके से बैकफुट पर कांग्रेस इस वक्त है इस मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल एक के बाद एक लगातार इशरत जहां के मामले में जिस तरह से तत्कालीन गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों की तरफ से खुलासे किए जा रहे हैं, बीजेपी के हाथ में निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा लग गया है। जिस तरह से स्मृति ईरानी, रामशंकर कठेरिया, जेएनयू, हैदराबाद विश्वविद्यालय के मामले पर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आ रहा था, अब जो बीजेपी है वो एक तरह से अटैक कर रही है कांग्रेस पर और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ गई है। पहले पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई का खुलासा, अब गृह मंत्रालय के एक बड़े पूर्व अधिकारी मनीष साहब ने जिस तरह से खुलासा किया कि एसआईटी ने उन पर दबाव डाला, सीबीआई ने उन पर दबाव डाला, ये अपने आप में खुलासे जो है वो चौंकाने वाले हैं। और अब बीजेपी अब इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है, कांग्रेस को बैकफुट पे ले जाने की तैयारी में है। और जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में बाकायदा नोटिस दिया है कि इस तरह जहां के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में जिस तरह से अभी आपने दिखाया है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको लगता है कि इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस को घेरा जा सकता है और वाकई कांग्रेस डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। आप एक बार देखिए विकास कि पी चिदंबरम खुद अपना डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उनके डिफेंस में उनके बचाव पहले खुलकर सामने नहीं आ रहा। जिस तरह से हमलावर पहले कांग्रेस हमला करने के मूड में थी और ये कहा गया कि अधिकारी तब क्यों चुप थे, अब ये कुछ प्रमोशन के लाभ में या कुछ और अच्छी पोस्ट के लाभ में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि ये दोनों जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पी चिदंबरम भी जिम्मेदार व्यक्ति और ये अधिकारी भी, यानी कि पूरी तरीके से बैकफुट पर कांग्रेस है। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी?
देखिए बिल्कुल बैकफुट पे कांग्रेस का जिक्र, जैसा कि मैं बता रहा था कि जिस तरह से राज बब्बर इसको टेक्निकल मामला बता रहा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो ये मान के चल लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने पी चिदम्बरम को इस मामले में पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है अपना डिफेंस करने के लिए। जहां तक बीजेपी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो आला कमान है वो इस मामले में बहुत ज्यादा तेजी फिलहाल नहीं दिखाना चाहते। वो सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में अपने सांसदों के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इस मामले में कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा, क्या जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी, इस बात को लेकर अभी भी सरकार में मंथन का दौर जारी है। हालांकि जब अरुण जेटली जब विपक्ष में राज्यसभा के नेता थे, जो वर्तमान में वित्त मंत्री है, उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में ये कहा था, अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि एक दिन इस मामले की न्यायिक जांच होगी। तो अब ये फैसला मोदी सरकार को करना है कि जाहिर तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हंगामा राज्यसभा में भी हुआ है। 10 मिनट बाद देखने वाली स्थिति क्या होगी, राज्यसभा में क्या चर्चा हो पाएगी इस मुद्दे पर। शुक्रिया संतोष पाठक, इस बड़ी खबर पर नजर आप लगातार बनाए हुए हैं।